गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टडी चैप्टर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल्स ए एन एंड द लेटर्स ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवल्स द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एज वी ऑल नो जो ए ई आई ओ एंड यू हैं वो हमारे वॉवल्स होते हैं और जो बाकी के बचे हुए लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स सो ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स आर्टिकल्स किसे बोलते हैं ए एन एंड द फर्स्ट इज ए इज यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए का यूज़ हम कब करते हैं जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है मीन्स जब उसके स्टार्ट किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में कोई वॉवल ना लगाओ ए ई आई ओ यू के अलावा जब और वर्ड से कोई और लेटर से कोई वर्ड बिगिन होता है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं ए नेक्स्ट इज एन इज़ यूज्ड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड बिगिन विद अ साउंड और हम एन का यूज़ कब करते हैं जब हमारा जो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो मीन्स ए ई आई यू ओ यू इन लेटर से जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका यूज़ तो हम किसका यूज़ करते हैं एन का लाइक एन आइसक्रीम एन एग एन अम्ब्रेला तो ये आई ई और यू ये सब क्या है वॉवल्स इसलिए इनसे पहले क्या लग रहा है एन आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं ए और एन जो हमारे ए और एन हैं वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आर यूज विद द नाउंस दैट आर नॉट डेफिनाइट जो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं वो उन नाउंस के साथ यूज होते हैं जो डेफिनाइट नहीं होते सो ए एंड एन मीन वन और एनी जो ए और एन है उसका मतलब क्या होता है वन योर एनी नाउ नेक्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल द जो द होता है हमारा वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है डेफिनाइट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर अ डेफिनाइट नाउन वो एक डेफिनाइट नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम द को द का यूज़ हम कब करते हैं जब हमें किसी यूनिक नेम को बताना हो या किसी बुक रिलीजियस बुक का नेम बताना हो या किसी न्यूज़पेपर मैगजीन का नेम बताना हो या किसी स्पेशल माउंटेन्स ओशियंस रिवर्स इन सब के नेम जब हमें बताने होते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं द का जो स्पेशल नेम्स होते हैं उसके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है द नाउ सी द फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द अब हमें फिल इन द ब्लैंक गिवन है इसमें हमें ए और एन और द को फिल करना है डैश लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स अब जो लाइब्रेरी है वो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है मतलब वो सारी बुक्स उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं इसलिए वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए उससे पहले क्या आएगा द सो द लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स ही स्टार्टेड फॉर हाफ डैश आर आर दिया हुआ है आर मीन्स स्टार्ट ये एच से हो रहा है लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है आर और आर किस से स्टार्ट होता है ओ से इसकी साउंड ओ से हो रही है इसलिए इससे पहले क्या आएगा एन क्योंकि ओ क्या है वॉवल सो ही स्टार्टेड फॉर हाफ एन आर प्लीज़ बाय मी डैश टॉय टॉय दिया हुआ है टॉय का फर्स्ट लेटर क्या है टी टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट तो इससे पहले क्या आना चाहिए अ डैश ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स अब ये ज़ेब्रा स्पेशल एनिमल का नेम है तो इससे पहले क्या आना चाहिए द ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ही बॉट डैश एप्पल फॉर मी एप्पल एप्पल किस से स्टार्ट हो रहा है ए से तो ए से पहले क्या आना चाहिए एन क्योंकि ए क्या है हमारा वोवल सो ही बॉट एन ऑफ एप्पल फॉर मी आई सॉ डैश मैन राइडिंग डैश कैमल अब जो मैन है उसका फर्स्ट लेटर क्या है एम मीन्स ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले क्या आएगा अ और जो कैमल है उससे उसका फर्स्ट लेटर है सी तो इससे पहले भी क्या आएगा ए सो आई सॉ अ मैन राइडिंग अ कैमल डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन अब जो अर्थ है वो हमारा यूनिक नेम है और सन भी जो है वो हमारा यूनिक नेम है इसलिए इन दोनों से पहले क्या आएगा द सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अब ऐसे ही हमें ये भी फिल करने हैं रीड एंड फिल ए एन और द ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें भी हमें ए एन और द फिल करने हैव यू रीड डैश कुरान अब कुरान जो है वो हमारी होली बुक का नेम है
तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा, द डैश सन इज अ स्टार. सन क्या है, यूनिक नेम है अभी बताया मैंने, तो इससे पहले भी क्या आएगा, द सन इज अ स्टार. डैश बिग बैन इज अ क्लॉक. अब बिग बैन क्लॉक के ब्रांड का नेम है, इसलिए ये स्पेशल हुआ, इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा, द बिग बैन इज अ क्लॉक. आई एट डैश ऑरेंज एंड डैश मेलन. ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और ओ क्या है, वॉवल, तो वॉवल से पहले क्या लगाते हैं हम, एन. और मेलन हमारा क्या, एम किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से. एम क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, ए. आई एट एन ऑरेंज एंड अ मेलन. फिफ्थ इज डैश ऑक्स कैरीज आर लोड्स. ऑक्स है, ऑक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और ओ क्या होता है, वॉवल, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, एन, क्योंकि ये वॉवल है. एन ऑक्स कैरीज आर लोड्स. आई नीड डैश अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग. अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, और यू क्या है हमारा, वॉवल, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, एन. आई नीड एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग. आई ईट डैश एप्पल, डैश एप्पल वॉज जूसी. आई ईट डैश एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए क्या है हमारा, वॉवल, तो वॉवल से पहले क्या आएगा, एन, इसलिए आई एट एन एप्पल. अब यहाँ पे भी एप्पल है, लेकिन इससे पहले द आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्पल एक स्पेशल नेम हो गया, एप्पल एक स्पेसिफिक नेम हो गया, इसलिए इससे पहले क्या द आ रहा है, द एप्पल वॉज जूसी.